नमस्कार इंडिया से, और इस बार चलिए चार धाम हमारे साथ। टैक्सी हो, बस हो या हेलीकॉप्टर हो, हर प्रकार की सुविधा हमारे पास है आपके लिए। होटल से दर्शन से पूजा तक हम आपका ख्याल रखते हैं। हर बजट के पैकेज में सीनियर सिटीजन्स के लिए हमारे पास कुछ विशेष सुविधाएं हैं, तो चलिए हमारे साथ। और इस बार चार धाम यात्रा को हम एक यादगार यात्रा बना देंगे। हरे कृष्णा शरणम्। कृष्णः शरणम्, द वॉइस ऑफ कृष्णा, एक संगीतमय नृत्य नाटिका, कल युग से लेकर द्वापर युग तक की पावन यात्रा में आपकी भेंट भक्ति की महामूर्ति मीराबाई, प्रेम की महादेवी राधा रानी और महान धनुर्धर अर्जुन से होगी। सखी तुम प्रिया, तुम मेरे तन का साया। हे अर्जुन, तुम तो मात्र निमित्त हो, तुम्हारा धर्म है केवल कर्म करना। श्री कृष्णा शरणम्। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूं कि मैंने मोदी केयर में 2500 का सामान 6 महीने लिया, तो 7वें महीने मुझे 2500 का सामान बिल्कुल मुफ्त मिला। फिर मैंने 12 महीने तक 2500 का सामान लिया, तो 13वें महीने मुझे 5000 का सामान बिल्कुल मुफ्त मिला। है ना ये फ़ायदे का सौदा, तो साल में मुझे 3 महीने का राशन बिल्कुल फ्री मिला। तो मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग मोदी केयर से जुड़ जाइए, दुकान बदलो, ब्रांड बदलो, सोच बदलो और जुड़ जाओ मोदी केयर से और आर्थिक आज़ादी पाओ। थैंक यू। Thank you.
गाओ रे, सारे गामा गाओ, सारे गाओ रे, हर सारे गामा गाओ, सारे गाओ रे, सारे गामा गाओ, सारे गाओ रे, 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 हर सारे गामा गाओ, सारे गाओ रे, सारे गामा गाओ, सारे गाओ रे, 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 अरे सारे गामा गाओ, सारे गाओ रे, सारे गामा गाओ, सारे गाओ रे, सारे गाओ रे, सारे गामा गाओ, सारे गाओ रे, अरे उडली उडली हे, उडली उडली हो, उडली उडली हे, सारे गाओ रे, उडली उडली हे, उडली उडली हे, उडली उडली हे, सारे गाओ रे, सारे गामा गाओ, सारे गाओ रे, सारे गामा गाओ, सारे गाओ रे, अरे सारे गाओ रे, हे हे सारे गाओ रे, ओ ओ हो सारे गाओ रे, हा 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 सारे गाओ रे। सारे गामा गाओ, सारे गाओ रे विद संजय शांगलू में आप सभी श्रोताओं का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। मैं संजय शांगलू, शरद शांगलू, शिखर शांगलू आप सबको नमस्कार करते हैं और आप सबका स्वागत, अभिनंदन और खैर मकदम करते हैं आपके उस कार्यक्रम में जिसका नाम है सारे गामा गाओ, सारे गाओ रे विद संजय शांगलू। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, ओ
राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। ओ राम नाम अति मीठा है। मानो तन अनमोल मिला इसे व्यर्थ गवा नहीं देना।
मानो तन अनमोल मिला, इस व्यर्थ गवा नहीं देना। शीश दिए हरि मिलते, शीश दिए हरि मिलते हैं, चढ़ा के देख ले। शीश दिए हरि मिलते हैं, चढ़ा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। ओ राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। ओ राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। गिटार और गायन में हमारा साथ दे रहे हैं शरद और शिखर शांगलू रोज की तरह, और आपको हमसे जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं और गणपति को याद करते हैं। तुम विघ्न विनाशक हो, इस जग का त्रास हरो। तुम विघ्न विनाशक हो, इस जग का त्रास हरो। विनाशक हो, इस जग
विनाशक हो, इस जग का त्रास भरो, इस जग के घर घर में, इस जग के हर घर में हे गणपति वास करो, तुम विघ्न विनाशक हो, इस जग का त्रास भरो, तुम विघ्न विनाशक हो, जग का त्रास भरो, तुम विघ्न विनाशक हो, इस जग का त्रास भरो, इस जग के घर घर में, इस जग के हर घर में हे गणपति वास करो, विनाशक हो, इस जग का त्रास हरो, तुम विघ्न विनाशक हो, इस जग का त्रास हरो। सेवा ही एक सच्ची कमाई,
विनाशक हो इस जग का त्रास हरो। इस जग के हर घर में, इस जग के हर घर में गणपति वास करो, विघ्न विनाशक हो इस जग का त्रास हरो। इस जग का त्रास हरो, इस जग का त्रास हरो। तुम विघ्न विनाशक हो इस जग का त्रास हरो।
दूसरा गीत जो है वो भी इसी फिल्म से है और फिल्म का नाम है कटी पतंग। इसको संगीतबद्ध किया है राजेश आर डी बर्मन साहब ने और इसको गाया है किशोर कुमार साहब ने, लिखा है मशहूर गीतकार आनंद बख्शी साहब ने और किशोर कुमार साहब ने गाया है और ये पिक्चराइज हुआ है राजेश खन्ना साहब पे, फिल्म कटी पतंग। ये गीत भी आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ है और इसको भी संगीतबद्ध आर डी बर्मन साहब ने किया है और फिल्म का नाम है नमक हराम और इसको गाया किशोर कुमार साहब ने और ये पिक्चराइज हुआ राजेश खन्ना साहब पे। उनके ही गीत आज हम आपको सुना रहे हैं उनकी ही फिल्मों से, फिल्म नमक हराम से। बहुत यादगार फिल्म थी, रेखा जी और अमिताभ बच्चन साहब और आपके राजेश खन्ना साहब के साथ। तो दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ, किशोर साहब का गाया हुआ और आरडी साहब का संगीतबद्ध किया हुआ। खिलते हैं दिए जलते हैं फूल खिलते
दिन हो जाती है। सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। दौलत और जवानी एक दिन हो जाती है। सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं। बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं। बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। ये फिल्म थी नमक हराम। इस गीत को लिखा था गीतकार आनंद बख्शी साहब ने, इसको संगीतबद्ध किया आर डी बर्मन साहब ने और गाया किशोर साहब ने, और ये पिक्चराइज हुआ था राजेश खन्ना साहब पे। इसके बाद आपको हम सुनाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है महबूबा, और ये वो यादगार गीत है जिसने धूम मचा दी थी और जिसके दो वर्जन रिकॉर्ड हुए थे। लता जी ने गाया था एक, और एक किशोर कुमार साहब ने, और दोनों ही सुपर डुपर हिट थे। विजय शंकर यादव जी लिख रहे हैं वेरी नाइस परफॉर्मेंस, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद विजय भाई। फेसबुक पर हमारे साथ हैं, क्या है, बिल्कुल दोस्ती के ऊपर बहुत गजब की रचना है ये आनंद बख्शी साहब की। बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, मगर हम बहुत सौभाग्यशाली रहे कि हमारे सभी मित्र, हमारे दोस्त आज भी वैसे ही, और सब बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, और हमेशा हमारे सुख दुख में साथ खड़े रहने वाले हमारे दोस्त हैं। सिर्फ एक शब्द कहूँगा कि आज तक मुझे अपने किसी मित्र से कोई चीज़ कहनी नहीं पड़ी, कभी कैसी ऐसी कोई दिक्कतें आई या कुछ हुआ, कुछ सामना करना पड़ा। जो दोस्त जिस लायक था वो हमारे साथ खड़ा हो गया उसी ढंग से कि तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली रहा कि मुझे मित्र सब बहुत अच्छे, मैं कभी राह से भटका भी तो मुझे सही राह पे लाने वाले मेरे दोस्त रहे। ऐसे जीवन में पल आते हैं कभी कभी कि आप गुमराह होते हैं, मगर दोस्त अच्छे होते हैं तो आप गड्ढों में गिरने से बच जाते हैं। कभी उनकी कड़वी चीज़ भी होती है कुछ, वो भी दवा का काम करती है, मेडिसिन का काम करती है, औषधि का काम करती है। तो ये एक अच्छे दोस्त की पहचान है, और मैं इसमें बहुत सौभाग्यशाली, गुरु और दोस्त मुझे हमेशा अच्छे मिले और उनका स्नेह मिला। तो आगे चलते हैं दूसरी रचना महबूबा से, और इसको भी लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और गाया है किशोर कुमार साहब ने, संगीतबद्ध किया आर डी वर्मन साहब ने, और फिल्म का नाम महबूबा। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, ये गीत किशोर साहब का, आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ, आर डी साहब का कंपोज किया हुआ, मुझे बेहद प्रिय है।
गामा गाओ सारे गाओ रे, सारे गामा गाओ सारे गाओ रे, हर सारे गामा गाओ सारे गाओ रे, सारे गामा गाओ सारे गाओ रे, सारे गाओ रे सारे गाओ रे, सारे गाओ रे सारे गाओ रे, हर सारे गामा गाओ सारे गाओ रे, सारे गामा गाओ सारे गाओ रे, सारे गाओ रे सारे गाओ रे, सारे गाओ रे सारे गाओ रे, सारे गाओ रे सारे गाओ रे, हर सारे गामा गाओ सारे गाओ रे, सारे गामा गाओ सारे गाओ रे, सारे गाओ रे, हे 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 सारे गाओ रे, हो 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 सारे गाओ रे, हा 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 सारे गाओ रे, सारे गामा गाओ सारे गाओ रे। विद संजय शांगलू में आप सभी हमारे साथ जुड़े और इस परिवार को सजाया स्वरों से, क्योंकि जब आप जुड़ते हैं तो ये स्वरों से सजता और संवरता है, जिसका नाम है सारे गामा गाओ सारे गाओ रे विद संजय शांगलू। तो अब आज्ञा लेने का समय आ गया है और अभी हम आपके बीच दोबारा आएंगे 10:30 के बाद, कुछ यादें कुछ बातें लाइव विद संजय शांगलू कार्यक्रम लेकर के, जिसमें आज हमारे मेहमान हैं बॉलीवुड एक्टर, मशहूर एक्टर संदीप बोस जी, और उनसे हम बातें करेंगे, उनके सफ़र के बारे में जानेंगे, उनके अभिनय के सफ़र के बारे में कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे वो आए अभिनय के क्षेत्र में। तो बस आधे पौन घंटे बाद हमारे साथ फिर जुड़ जाइएगा आप लोग, और आज इस कार्यक्रम से अब मैं संजय शांगलू, शरद शांगलू और शिखर शांगलू आपसे इजाज़त चाहते हैं कल तक के लिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, शुभरात्रि, शब्बा खैर, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय शंभु। नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा माई तीर्थ इंडिया से, और इस बार चलिए चार धाम हमारे साथ। टैक्सी हो, बस हो या हेलीकॉप्टर हो, हर प्रकार की सुविधा हमारे पास है आपके लिए। होटल से दर्शन से पूजा तक हम आपका ख्याल रखते हैं। हर बजट के पैकेज में सीनियर सिटीजन्स के लिए हमारे पास कुछ विशेष सुविधाएं हैं। तो चलिए हमारे साथ, और इस बार चार धाम यात्रा को हम एक यादगार यात्रा बना देंगे। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूं कि मैंने मोदी केयर में 2,500 का सामान 6 महीने लिया तो 7वें महीने मुझे 2,500 का सामान बिल्कुल मुफ्त मिला। फिर मैंने 12 महीने तक 2,500 का सामान लिया तो 13वें महीने मुझे 2,500+2,500 का सामान बिल्कुल मुफ्त मिला। है ना ये फायदे का सौदा, तो साल में मुझे 3 महीने का राशन बिल्कुल फ्री मिला। तो मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग मोदी केयर से जुड़ जाइए, दुकान बदलो, ब्रांड बदलो, सोच बदलो और जुड़ जाओ मोदी केयर से और आर्थिक आज़ादी पाओ। थैंक यू।